हमारा पुश्तैनी हार कहाँ है? देते वक्त ही कहा था मैंने कि उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना, ना तो तुम एक हार की जिम्मेदारी संभाल पाई और ना ही हमारे खानदान का मान रख पाई हो। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए तुम्हारी सगाई को और तुम एक हार नहीं संभाल पाई, तो जिंदगी भर इस परिवार और हमारे रिश्तों को संभाल लोगी इसकी क्या उम्मीद रखूं मैं तुमसे? दादी जी, हार अभी मेरे गले में ही था, पता नहीं कैसे गिर गया, यहीं कहीं गिरा होगा, मैं अभी ढूंढती हूँ। इतने सालों में आज तक रितु से वो हार इधर उधर नहीं हुआ और तुमने चंद मिनटों में ही ये हार खो दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अपशकुन पे अपशकुन हुए जा रहे हैं। रुचिता, इस फैमिली का मेंबर बनने के बाद ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी थी, थोड़ा तो ध्यान रखना था। वैसे तो तुम पे पहले भी चोरी का इल्जाम लगा था, हालांकि वो झूठ था, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, नॉट डन। क्या हुआ? मिला नहीं? सॉरी पापा, मैं आज रोज पता नहीं चला। हाँ, आप क्या कर रही हैं? बहुत सारे काम पर हैं, निहार को ढूंढना है और बस नरेश, अपनी जिद के चक्कर में अपने होश इतने भी मत गवा दे कि बाप दादा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ढूंढ लिया ना तूने हर जगह, फोन भी करके देख लिया सब जगह, प्रतीक उसको पूरे शहर में ढूंढ कर आ गया, लेकिन वो नहीं मिला ना, क्योंकि वो मिलना ही नहीं चाहता है। खोए हुए लोग मिलते हैं नरेश, जानबूझकर गए हुए लोग नहीं। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बातें बननी शुरू हो गई। अगर खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, जाके सबको सच सच बता दे और ये शादी कैंसिल कर दे, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। अरे कहीं दूल्हा भाग तो नहीं गया? दुल्हन दिखने में ऐसी होगी तो निहार जैसे दूल्हे भाग ही जाएंगे। क्या हुआ? किसका मैसेज है? माँ, पिछले 20 साल से हमारी गांव की हवेली का जो केस चल रहा था। हम हार गए क्या? नहीं माँ, हम वो केस जीत गए। कोर्ट ने वो हवेली हमारे नाम कर दी। लक्ष्मी माँ ने हमारी घर की लक्ष्मी को अपना आशीर्वाद दे दिया। हे देवी माँ, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। इन आंखों में सिर्फ खुशी अच्छी लगती है बेटा, आंसू नहीं। मैं तुम्हें वादा करता हूं, इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा बेटा।
तुम इस कलश को हल्के से अपने पैर से गिराना और इस थाल में अपने पैर रख के घर के अंदर प्रवेश करो। राइट पांव से अंदर आना। लड़की की निहार के साथ शादी तो हम रोक नहीं सके, इसलिए गृह प्रवेश तो होगा ही। लेकिन उस लड़की को मैं ये एहसास जरूर करवाऊंगी कि जिस तरह उसने निहार की जिंदगी को काला कर दिया, इस घर में उसकी जिंदगी भी हमेशा काली ही रहेगी। लेकिन इससे होगा क्या माँ? यह घोल है और इस घोल को मैंने आलते में मिला दिया है, और इस घोल का छाप जब मार्बल पर पड़ेगा तो इस आलते का रंग काला हो जाएगा। सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला आप कब आ गए। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कल ना आने के लिए। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। शादी की पहली रात अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया मैंने। अब इस पाप की फीस भरने के लिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। मैं जानता हूं कि तुम में इतनी अक्ल तो है नहीं कि ऐसे मौके पर अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा दो। ये गिफ्ट मैं लेके आया हूं, तुम ये रुचिता को दे दो। आज मैं अपनी ओर से एक अच्छा गिफ्ट दे देता। देख क्या रहे हो, जाके पहनाओ रुचिता को, जाओ। कितना प्यारा मोमेंट है ये। थैंक यू निहार जी, लग गया ब्रेसलेट और ये बहुत सुंदर है।